अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हिम। आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। आज के वीडियो के अंदर हम क्रस्टल प्लेट्स, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में मूव करती हैं, जगह से डिस्प्लेस होती हैं, तो उसकी वजह क्या है और उससे रिजल्ट क्या निकलते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? हमारे पास जो क्रस्टल प्लेट्स हैं, यानी कि अर्थ के क्रस्ट जो कुछ प्लेट्स में टूटा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियो के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। तो वो प्लेट्स जो हैं वो अपनी किसी एक जगह पर टिकी नहीं रहती, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती हैं, हिलती हैं, वहाँ से मूव करती हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि इनके मूव करने की वजह क्या है। इनके मूव होने की वजह मेंटल में हो रहे कन्वेक्शन करंट्स हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास मेंटल जो है, हमारे पास सेकंड लेयर ऑफ अर्थ है, उसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, जिनके जो हमारे पास कोल्डर ऑब्जेक्ट है वो यानी कि सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो नीचे सिंक करता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो नीचे से राइज करता है। तो ये एक हमारे पास साइकिल चलता रहता है कि कोल्ड ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट राइज कर रहा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट राइज कर रहा है। ये यूजुअली लिक्विड्स के अंदर होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसर होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे राइज करते हैं, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। अब कोई चीज़ नीचे मूव कर रही है तो उसके ऊपर अगर आप कुछ रख दें तो वो टिका तो नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई असर तो पड़ेगा। तो यही वजह है हमारे पास क्रस्टल प्लेट्स जो है वो मूव करती है। उसकी वजह तो यही है कि हमारे पास मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से क्रस्ट जो है वो डिस्प्लेस होता है। लेकिन क्योंकि क्रस्ट का अपना काफ़ी वजन है तो काफ़ी फास्ट मूव नहीं करती, बहुत माइनर सी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है, जो कि बिलियन ईयर्स बाद जाके कोई ऐसा हमारे पास प्रॉपर फीचर बनाती है जिसको हम एक जगह काबिल तारीफ फीचर जो हमारे पास बनते हैं, जिस तरह से माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। अब इनकी मूवमेंट होती है तीन तरह से। या तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करती है, यानी कि दो मुख्तलिफ क्रस्टल प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, या ये एक दूसरे से दूर हट रही है, या फिर एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर रही है। अब जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाजू का दो कॉन्टीनेंटल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती है, बाजू का एक कॉन्टीनेंटल एक ओशियनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती है, बाजू का दो कॉन्टीनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रही होती है, बाजू का दो ओशियनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रही होती है, बाजू का दो कॉन्टीनेंटल प्लेट्स आपस में एक दूसरे को स्लाइड पास करके गुजर रही होती है। तो इधर इन चीज़ों को डिटेल के अंदर आगे जो है समझते हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है, तो चले समझते हैं इसको। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आई है कॉर्डिनेटल प्लेट्स क्या होती है, ओशियनिक प्लेट्स क्या होती है, क्रस्टल प्लेट्स क्या होती है, तो यू कैन चेक माई वीडियो, आपको मैं जो है लिंक दे देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, आप उसको चेक कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट असल में होती क्यों है। हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। अब कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट या प्लेट बाउंड्रीज लिखा हुआ है, प्लेट बाउंड्री कहते हैं कि जहाँ पर दो क्रस्टल प्लेट्स आपस में ज्वाइन हो, इकट्ठी हो, आपस में एक कोई इनका रिलेशन बने, वो जो बाउंड्री होती है जब वो इकट्ठी हो जो उसको प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है कि यहाँ पर दो क्रस्टल प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये मैटर नहीं करता कि वो एक ओशियनिक है या दोनों ही ओशियनिक है या दोनों ही कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर दो क्रस्टल प्लेट्स की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। अब उन क्रस्टल प्लेट्स के अंदर अगर दोनों कॉन्टिनेंटल होगी तो वो आपस में स्मैश अप हो जाएगी और जो है हमारे पास एक माउंटेन लाइक फीचर बन जाएगा। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपकी जो पेपर है उसके पेपर को आप दो तरफ से आपस में एक दूसरे की तरफ जो है पुश करें, यानी कि पेपर को आप रखें और उसको दो तरफ से एक दूसरे की तरफ पुश करें, तो आप देखेंगे सेंटर से जो है थोड़ा सा हमारे पास उभार आएगा, एक चीज़ उठेगी सेंटर के अंदर से, तो वही हमारे पास सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है। यहाँ पर जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में जो है स्मैश करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो उनके कन्वर्ज हो रहे थे क्योंकि उनकी डेंसिटी सेम है, तकरीबन एक ही तरह के मटेरियल की जो है वो बनी हुई है, एक ही टाइप का जो है क्रस्ट है, तो वो आपस में जो है एक दूसरे के इस तरह से एक दूसरे के साथ इस तरह कन्वर्ज हो जाता है, जुड़ जाता है कि वो एक माउंटेन फीचर बना देता है। इसी तरह से अगर एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही है तो ओशियनिक प्लेट्स होती है डेंसर, भारी, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, तो ओशियनिक प्लेट जो है जब वो कन्वर्ज करती है तो वो धंस जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंस जाएगी।
अब जब वो धस जाएगी तो वो ऑब्वियसली जो है बैटल पे जाके हीट पे वो बेल्ट हो जाएगी, बेल्ट होने से मैग्मा प्रोड्यूस होगा और वो मैग्मा जो है वो इरप्ट करेगा कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से माउंटेन फीचर्स बनेंगे। माउंटेन फीचर्स बनेगी कौन से, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे क्योंकि जो है यहाँ पर मैग्मा इन्वॉल्व है। माउंटेन्स के अंदर जहाँ पर हम मैग्मा की बात कर लेते हैं, लावा की बात करना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो वॉल्केनो की बात बन जाती है, माउंटेन नहीं रहता। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है? डाइवर्ज का मतलब होता है परे हटना, दूर हटना, यानी कि यहाँ पर दो क्रस्टल प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर हटेगी, परे हटेगी, जिस तरह से पहले एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। दो क्रस्टल प्लेट्स जो है अब वो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हो सकती है, दो ओशियानिक प्लेट्स भी हो सकती है। अब जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में एक दूसरे से परे हटेगी तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस होगा, और जब दो ओशियानिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से परे हटेगी वहाँ जो प्रोसेस होगा वो दोनों ज़रा मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे ओशियानिक प्लेट्स एक दूसरे से परे हटती है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब दो ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है तो हमारे पास ओशियानिक रिजेस बनते हैं। ओशियानिक रिजेस क्या होता है कि अब जब देख लें कैविटी बन रही है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जब दो क्रस्टल प्लेट्स दूर हट रही हैं तो खला बन रहा है, कैविटी बन रही है। तो जो अर्थ के मेंटल में ढेर सारा लावा मौजूद है, इसको जब अर्थ के मेंटल के अंदर मौजूद है, अर्थ के अंदर मौजूद हो तो मैग्मा कहलाता है, बाहर आ जाए तो वो लावा बन जाएगा। तो वो जो मैग्मा मौजूद है वो बहुत ज़्यादा हीट अप है, तो वो रास्ता ढूंढ रहा होता है हर दफ़ा कि उसको कोई वीक पॉइंट मिल जाए, कोई क्रैक मिल जाए अर्थ के अंदर क्रस्ट के अंदर, तो वो बाहर इरप्ट हो सके। तो जब ये दो एक दूसरे से परे हटेगी तो वहाँ पर सेंटर में क्रैक बनेगा, क्रैक बनेगा तो वहाँ से मैग्मा जो है इरप्ट भी करेगा। तो मैग्मा के इरप्ट होने से हमारे पास जो है लेयर्स लगना शुरू हो जाएगी मैग्मा की साइड्स पर, जो हमारे पास बाउंड्री से प्लेट बाउंड्री के ऊपर मैग्मा की लेयर्स जमना शुरू हो जाएगी, और वो काफ़ी जो है मिलियन ईयर्स के बाद हम देखेंगे कि वो काफ़ी बड़ा सारा फीचर हमारे पास बन जाएगा, जिसको हम ओशियानिक रिज बोलते हैं। ओशियानिक रिज इसलिए माउंटेन इसलिए नहीं बोलते कि ज़रा इसकी शेप थोड़ी सी फ़र्क होता है शेप के अंदर, कि इनकी उतनी स्टीप स्लोप्स नहीं होती इतनी माउंटेन्स की होती है। अब ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि ना तो वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ना वो एक दूसरे से दूर हट रही है, वो दूसरे को स्लाइड पास कर रही है, हॉरिजेंटली एक दूसरे को स्लाइड पास करती हुई अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रही है। तो इससे हमारे पास कोई लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं होता। हालाँकि यहाँ से अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो पुराने लैंडफॉर्म बने हुए टूट सकते हैं, नया कोई जो है वो क्रिएट नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जैसे वो एक दूसरे को स्लाइड पास करके रगड़ती खाती हुई जो है वो गुजर जाएंगी, और कोई हमारे पास जो है फीचर नहीं बनेगा। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो दोनों हमारे पास क्रस्टल प्लेट्स हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अब इसकी जब ये अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है, सिर्फ एक रगड़ खाती हुई जा रही है, कोई जो है हमारे पास फीचर क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, बड़े जो है सीवियर अर्थक्वेक्स आते हैं इनके इस तरह स्लाइड पास करने से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़।